सीएम अरविंद केजरीवाल का गदर मचा देने वाला भाषण, सब देखते रह गए। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि सब आपने ही किया है, इस सृष्टि की रचना ही 2014 में हुई थी, हम तो जो भी काम करते हैं उनका पीएम मोदी नाम लेकर करते हैं। उन्होंने कहा, नेतृत्व का पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। मोदी जी एक इंटरव्यू में कह चुके हैं कि वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। आज एडमिनिस्ट्रेशन चलाना आसान नहीं है, अफसर कुछ भी करवा लेते हैं, जैसे कि नोटबंदी, कृषि कानून, सबको खामियाजा भुगतना पड़ता है, पता नहीं कौन उनके कान भरता है। ऐसे ही उनके बयान आते हैं कि गंदी नाली से गैस बनाना, बादल के पीछे रडार से विमान का छिप जाना, विदेशी लोग आते हैं, पता नहीं उनसे क्या क्या साइन करवा लेते हैं। दिल्ली की एक पढ़ी लिखी सरकार है, ये साबित हो चुका है। विधानसभा में सोमवार को केजरीवाल ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा, मैं अभी वित्त मंत्री और भाजपा वालों की चर्चा सुन रहा था, हमने दिल्ली में छोटे बच्चों की पढ़ाई के लिए तो काफी इंतजाम किए हैं। शिक्षा मंत्री आतिशी से निवेदन करूंगा कि एडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम की भी व्यवस्था करे। उन्होंने कहा, दिल्ली मॉडल एक पढ़ी लिखी सरकार, सबके विकास, जीरो करप्शन, महंगाई से निजात, फ्री बिजली, फ्री पानी, सबके लिए स्वास्थ्य का मॉडल है। केजरीवाल ने कहा, पहले दिल्ली सीडब्ल्यूसी घोटाले के लिए जानी जाती थी, लेकिन आज स्कूलों के लिए जानी जाती है। इन लोगों ने हजारों करोड़ खर्च कर दिए घोटाले साबित करने के लिए, लेकिन जनता मान नहीं रही। जो काम 65 साल में हुए उससे डबल काम हमने 8 साल में कर दिए। शिक्षा स्वास्थ्य का काम तो सबको पता है, तो आज मैं उन पर बात नहीं करूंगा। दिल्ली में सब फ्री है, उसके बावजूद बजट मुनाफे में है। सीएम ने कहा कि 65 साल तक दिल्ली की 227 कॉलोनियों में सीवर की लाइन थी, 8 साल में हमने 747 कॉलोनियों में लाइन बिछा दी है। हमने 8 साल में सीवेज ट्रीटमेंट की क्षमता और वाटर सप्लाई को डबल कर दिया है। 8 साल में 5138 किलोमीटर पानी की पाइपलाइन दिल्ली में डाली गई है। अरविंद केजरीवाल ने कहा, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज आया कि यह सब काम हो रहा है क्योंकि पढ़ी लिखी सरकार है। एक अनपढ़ सरकार भी है जिसका नारा है घर घर नाली घर घर गैस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, बनेगा पकौड़ा बनेगी चाय, स्कूल अस्पताल भाड़ में जाए। आम आदमी पार्टी से मन की बात, अपने भाई से धन की बात, वहाँ रे शासन तेरा खेल, ईमानदार को हो गई जेल। दिल्ली ने पिछले 8 साल में बहुत जबरदस्त तरक्की की है हर क्षेत्र के अंदर। 1950 से लेके 2015 तक 65 साल में दिल्ली में जितने काम किए गए, 2015 से लेके 2023 तक पिछले 8 साल में जब से आम आदमी पार्टी की सरकार है, उससे डबल काम पिछले 8 साल के अंदर किए गए हैं। पिछले 8 साल में हमने 28 फ्लाईओवर बनाए, अगले 2-3 साल के अंदर हम 29 फ्लाईओवर और बनाने जा रहे हैं। पिछले 8 साल के अंदर जितने बड़े स्तर के ऊपर दिल्ली में कच्ची कॉलोनियों में पानी की पाइपलाइन डाली गई, 5000 किलोमीटर से ज्यादा बड़ी पानी की पाइपलाइन डाली गई, जो कि मैं समझता हूँ गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में आना चाहिए किसी शहर के अंदर इतने बड़े स्तर के ऊपर पानी की पाइपलाइन डाली गई। जितने बड़े स्तर के ऊपर कच्ची कॉलोनियों में पानी और सीवर की पाइपलाइन डाली गई, पहले दिल्ली में सीवर को ट्रीट करने की जितनी क्षमता थी उससे डबल क्षमता पिछले 8 साल के अंदर हमने क्रिएट की है। चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे सीवर हो, चाहे सड़कें हो, पिछले 8 साल में उससे ज़्यादा काम किया गया जो 65 साल में किया गया। इस साल का जो बजट पेश किया गया वो एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज़बरदस्त पुश देने के लिए किया गया है। दिल्ली में हमने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो काम किए वो तो सबको बताया, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए, दिल्ली को दुनिया के चुनिंदा शहरों में गिनती करवाने के लिए जो काम किए गए और अगले 2 साल के अंदर दिल्ली को जहां हम ले जाना चाह रहे हैं और ले जाएंगे, वो अपने आप में ऐतिहासिक है। इस साल 21,000 करोड़ रुपये दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर पुश के लिए लगाए गए हैं और मैं समझता हूँ कि अगले 2-3 साल के अंदर आप दिल्ली को दुनिया के चुनिंदा शहरों से कंपेयर कर पाएंगे। दिल्ली देश के लिए एक बहुत गौरव का स्थान बनेगा। फिलहाल आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, समझते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। न्यूज डेस्क से प्रिया।